बाकी जाके कोलकाता सी कोलकाता कोलकाता में कैसे दिखते हैं शाम के टाइम देख सकते हैं। कोलकाता का रोड है, मैं अभी एयर कंडीशन कार में बैठा हूँ। ये बस है एक्चुअली, कार में भी सारे यहाँ से मैं जा रहा हूँ। अभी सड़क है, डिवाइडर बैठा हुआ है, वहाँ पे पार्किंग साइड में ये है रोड साइड। ये कलकत्ता की एयर कंडीशन बस, गवर्नमेंट स्पॉन्सर, गवर्नमेंट का बिजनेस बोल सकते हैं, स्पॉन्सर नहीं है, बिजनेस है। ओके, कलकत्ता की कुछ चीज़ मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलता है। ये है चर्च, ये रनिंग बस में कितना दिखेगा पता नहीं। ये हो गया चर्च, कैथेड्रल, सेंट पॉल कैथेड्रल। उसके बाद हम लोग और कुछ देखने को मिलेगा इस रोड पे, देखता हूँ। ये हो गया आपका बिरला प्लानिटोरियम, बिरला प्लानिटोरियम जो पेड़ पौधे में ढक गया। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। एम पी बिरला दिख रहा है, यस। ये हो गया बिरला प्लानिटोरियम, ये है मैदान एरिया। इट्स ऑलमोस्ट ग्रीनरी एरिया, ऑल द क्लब्स एंड फुटबॉल क्लब्स एंड एवरी ऑल द क्लब्स आर हियर, सारे के सारे क्लब इधर ही है। चलिए बाकी लोगों को भी दिखाता हूँ, कलर तक और भी कुछ नज़ारे दिख रहे हैं। इस साइड है विक्टोरिया मेमोरियल, अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि हम लोग दूसरे रोड से जा रहे हैं, जिस कॉल्ड ग्रीन कोलकाता। ये वाला पार्ट नहीं है, बहुत सारे पार्ट है ग्रीन है, कुछ कुछ पार्ट अभी भी उसका काम चल रहा है, शायद हो जाएगा। देखते हैं बाकी का मैदान, देखते हैं। हाँ, ये है एलियट पार्क, ये टाटा मेंटेन करते हैं इसको, मेंटेन बाई कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये भी चल रहा है, अभी चल रहा है पूरा पार्क, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब इसको ख़त्म। ये वाला भी देख रहे हैं, ये मैदान मेट्रो स्टेशन। पूरा जो पार्क देख रहे हैं ये पूरा ही एलियट पार्क है, अब जाके हुआ ख़त्म, यहीं पे ख़त्म होता है एलियट पार्क। अब चल रहे पार्क स्टेट, दिसंबर मंथ में 24 दिसंबर, 31st नाइट, 1st ऑफ जनवरी,
बहुत भीड़ रहते हैं, बहुत भीड़ रहते हैं, लोग यहाँ पे बहुत आते हैं। इतना भीड़ आपको बहुत ही कम सिटी में मिलेगा। अभी तक जहाँ पे जितने भी व्यू आपने देखा पूरा ही ग्रीन ग्रीन है, ग्रीन सीनरी उसमें तो बहुत ज़्यादा है स्पेशली इस एरिया में। बाकी के एरिया में भी है, कलकत्ता को ग्रीन बनाने का पूरा प्लान गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कर रहा है। जितना ग्रीनरी रहेगा उतना ही अच्छा है। गार्डन देख रहे हैं, बहुत लोग इसको जानते हैं ईडन गार्डन। ये बाहर से आपको दिखेगा, बाहर का गार्डन है। ये है वॉर मेमोरियल स्टैचू, है वॉर मेमोरियल। बाकी की इसमें कांच का कुछ हॉल है। और इस साइड में आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका ईडन गार्डन। ईडन गार्डन में से इतना सुंदर दिख रहा है, बाकी का दिख नहीं पाएंगे क्योंकि बस राइट साइड ले लेगा। ये जो गार्डन आप देख रहे हैं ये राज्यपाल का है, स्टेट दक्षिण राज्यों को निर्वाड़ी राज्यपाल का घर है। ये है गेट, देख सकते हैं घर उधर है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादातर तो बैंक ही बैंक रहता है। इसमें आप देखिए पोस्ट ऑफिस बैंक मिलेगा आपको, HSBC बैंक मिलेगा, बाकी बहुत मेट्रो स्टेशन बनना है कलकत्ता टू। अच्छा ये है पोस्ट ऑफिस, मेन बिग पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे इंटरनेशनल कुरियर कुरियर जाते हैं, स्पीड पोस्ट होते हैं, स्पीड पोस्ट का काम होता है। बाकी का और एक पोस्ट ऑफिस का एक मेन ब्रांच है तो दूसरे साइड में होता है। इस बिल्डिंग में जब ये स्पीड पोस्ट वाला जो भी कुरियर इंटरनेशनल से भी क्या बोलते हैं उसको कार्गो वाला जो सामान होता है उसको रखा जाता है। फोकस हो सकता है मैं करवा रहा हूँ। ये है HSBC बैंक जो आपको अभी अभी दिखा। अच्छा अभी हम पोस्ट ऑफिस को देखेंगे, हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस जहाँ पे पब्लिक का काम होता है। पब्लिक का जितना भी पार्सल होना है, पार्सल भेजना है, सारा काम उसे को अभी वो देखेगा। उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये है हेड पोस्ट ऑफिस, ये इंडिया पोस्ट का बहुत बढ़िया पोस्ट ऑफिस। वो नहीं दिखेगा, वो उस साइड में हो गया है। ये वाला बिल्डिंग भी दिख ले, इसका क्या नाम था मैंने भूल गया, अभी मुझे याद नहीं है। ये सारे ब्रिटिश टाइम का हुआ है बिल्डिंग, जितने भी ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं सारे ये सारे ब्रिटिश टाइम का हुआ है। वहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपने देखा, HSBC बिल्डिंग आपने देखा, इसका रूट, इसका दरवाज़ा देखिए, ये कितना बढ़िया सा बना हुआ है उस टाइम का। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा दिखाने के लिए पर हो भी नहीं सकता, ठीक है। कैमरा में शायद उतना नहीं आ रहा है, फिर भी आप देख सकते हैं ब्रिटिश टाइम का कितना अच्छे से बना हुआ था। उस टाइम ब्रिटिश का जो कैपिटल था वो कोलकाता था, तो इसलिए वो लोग सारी चीज़ ऐसे ऐसे बनाए थे। कुछ ब्रिटिश का है, कुछ जितने भी हम लोग का यहाँ पे जो राजा थे, जितने भी किंग थे, उन लोगों का भी बिल्डिंग है इधर, ऐसी टाइप का बना हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ पे हम लोग स्टैंड रोड से यहाँ पे क्या दिखता है, इसमें जो चीज़ दिखता है यहाँ से आप गंजेस देख सकते हैं। तो गंजे साइड में दिखेगा या नहीं दिखेगा पता नहीं, बाकी का टाइम मैं दिखा रहा हूँ जाने के लिए। ये हो गई एंट्री, गंजेस की तरफ एंट्री, पर ये पूरा दिखेगा नहीं। ये हावड़ा ब्रिज से आपको गंगा दिखाता हूँ, गंगा के टाइप कैसे लिखता है। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके ये हावड़ा का जो ब्रिज है वो दिखेगा यहाँ से, कोशिश करता हूँ मैं कितना हो सकता है। ये हो गया आपका बड़ बाजार भी, पता नहीं कितना साइड से तो दिखेगा नहीं क्योंकि मैं अपोजिट साइड में बैठा हूँ। ये बड़ बाजार आ रही है, ये आ गया। अच्छा अभी बस घूमने वाला है, आप
तब देखिए आपको हॉरर ब्रिज दिखेगा। ये देखना शुरू हो गया हॉरर ब्रिज, जिसको बहुत लोग देखने के लिए आते हैं। वर्ल्ड में जो सात एक चीज़ है, मतलब क्या बोलते हैं, आश्चर्य चीज़ है, उसमें एक बंदा बना गिना जाता है, क्योंकि इसका जो नीचे का ले है उसमें कोई पिलर है नहीं, ये पूरा हैंगिंग ब्रिज है। दिस इज़ द हॉरर ब्रिज। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना भी हो सके, बहुत होर्डिंग लगा हुआ है तो उसमें दिखेगा नहीं ज़्यादा। आपका हॉरर ब्रिज, हम लोग हॉरर ब्रिज से जाएंगे, आपको पूरा दिखेगा हॉरर ब्रिज कैसे भी सुंदर दिखता है, आप सिर्फ उसका नज़ारा नहीं दिखाइए। उसके साथ साथ मैं गंगा का साइड में भी दिखाऊँगा। पता नहीं कितने सुनाई दे रहा है, मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बस पे हूँ। ये देखिए गंगा का साइड है, इसका भी नज़ारा ले लीजिए कैसे गंगा का साइड दिखता है और अब ब्रिज कैसे दिखते हैं। जो ऑलरेडी कोलकाता से बिलोंग करते हैं वो शायद ये वीडियो उतना लाइक नहीं करेंगे फिर भी, पर जो लोग बाहर से दिख रहे हैं, जो लोग बाहर से, पहले ये जो रेलिंग है रेलिंग में कवरिंग नहीं था, ये आप दिख रहे हैं कि अभी लाइट लगाया गया है, अभी कवरिंग कर दिया गया है, इतना कवरिंग नहीं था, ओपन था। पहले लोग बहुत कुछ फेंक देते थे गंगे में, गंजेस में, तो गंगा का मतलब प्रदूषित हो जाता था, तो अभी शायद कुछ प्रिकॉशन लिया गया है, उसमें दिख रहा है सारे इसमें क्या। ये हावड़ा स्टेशन, हावड़ा स्टेशन भी अभी यहाँ से आपको दिखना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं वहाँ पर टाइमर है, इसको कहते हैं हावड़ा जेटी, जहाँ पर लॉन्च और सारी चीज़ मिलता है। पर अभी तो रेलवे स्टेशन ऑपरेटेड नहीं है तो हम दिखा नहीं सकते, अभी यहाँ से मैं फिर बस से जाऊँगा, बस के अलावा और कोई चारा नहीं है अभी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, वीडियो को देख बनाते रहेंगे।